नमस्कार जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से जब मैं और अरविंद केजरीवाल जी 2022 में चुनाव प्रचार कर रहे थे, पंजाब की गली गली में जा रहे थे, चुनावी रैलियां कर रहे थे, गांवों में, कस्बों में, शहरों में जा रहे थे, तो हम एक वादा कर रहे थे 3.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ कि पंजाब को ड्रग मुक्त धरती बनाना है, पंजाब को नशा मुक्त धरती बनाना है और पंजाब को गैंगस्टर कल्चर से बाहर लेकर आना है। पुरानी सरकारों द्वारा जो नेक्सस पैदा किए गए, जो उन्होंने गैंगस्टर पैदा किए अपने इस्तेमाल के लिए, इलेक्शन के समय इस्तेमाल के लिए या और गलत कामों के लिए, कई तो जेल से काम चला रहे थे, जेलों में बहुत से मोबाइल पकड़े हमने, जेलों में और नेक्सस जो चलता था वो पकड़ा। तो हम इस वादे को आगे लेकर जाते हैं। हमने आते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। पंजाब पुलिस वैसे भी बहुत सक्षम है, तो पिछले दिन ही बहुत ही फेमस पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला जी का बड़ा दर्दनाक कत्ल हुआ, उनको मौत के घाट उतारा गया। तो उनके जो शार्प शूटर थे उनकी पहचान हुई, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने उनका पीछा किया, पीछा करते करते वो उन तक पहुंच ही गए और अमृतसर जिले के गांव में एक घर में वो ट्रेस हो गए। उनको सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उनके पास से AK-47 भी, राइफल भी थी। तो जवाब में हमारी फोर्स ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान जोखिम में डालकर उनका मुकाबला किया। 4-5 घंटे मुकाबला चला, मीडिया में चला, सारा दिखाया गया और दोनों जो शार्प शूटर थे वो इस एनकाउंटर में मारे गए। मैं अपनी फोर्स को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पता नहीं कितने घरों के चूल्हों की आग जो बुझने वाली थी उसको बचा लिया। मैं 3.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, मेरा काम है, क्योंकि मुझे इतना प्यार दिया आपने, इतना प्यार दिया, अब जिम्मेदारी मेरी है। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब फर्ज निभाने की बारी मेरी है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, पहले जो गैंगस्टर थे उनका कोई ना कोई आका होता था, कोई ना कोई उनको पॉलिटिकली उनको शरण मिलती थी, लेकिन अब किसी गैंगस्टर का कोई आका नहीं है मेरी सरकार में। ये बात भूल जाएं वो कि हम उनके साथ कोई संपर्क करेंगे और ना ही हमारा ऐसा कोई इरादा है। पंजाब की शांति, पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा, भाईचारा, यही हमारी प्रायोरिटी है। तो मैं एक बार फिर अपनी फोर्स को बधाई भी देता हूं और साथ साथ में ये कहता हूं कि अब हौसले नहीं होना, अटैक इज ए बेस्ट डिफेंस। कहीं हम सुस्त हो गए तो कहीं फिर से ना वो जो शरारती तत्व हैं वो उठ जाएं। तो कुछ बाहर बैठे हैं विदेशों में, कुछ अभी बाहर हैं उनके गुर्गे, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि पंजाब ड्रग मुक्त और गैंगस्टर कल्चर मुक्त होता जा रहा है। ये मेरी आपसे गारंटी भी है और मेरी भगवान से अरदास भी है कि वो बल बख्शे ताकि हम पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बना सकें। नमस्कार। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।